Babbitt metal. The tin based and lead based Babbitts are widely used in bearing material. Because they satisfy most requirement for general application, the Babbitts are recommended where the maximum bearing pressure is not over 7 to 14 Newton per mm square. तो दो टाइप के बेबिट होते हैं, टिन बेस्ड बेबिट होता है और लेड बेस्ड बेबिट होता है। इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, ऐसे असाइनमेंट आप इसको लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रॉन्ज यूज होता है, ब्रॉन्ज आप जानते हैं जिसको हम लोग कांसा कहते हैं। ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। इसमें जिंक मिलाते हैं, तो कॉपर और जिंक होता है तो ब्रास होता है, कॉपर और टिन होता है तो ब्रॉन्ज होता है। लेकिन जिंक थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज यूज़ होता है। गन मेटल यूज़ होता है, गन मेटल में कॉपर होता है 88%, टिन होता है और जिंक होता है। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज यूज होता है, इसमें फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में कॉपर होगा, टिन होगा और लेड होगा, फॉस्फोरस 1% होगा। एक ही परसेंट है लेकिन फिर भी फॉस्फोरस पे ही इसका नाम रख दिया, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को पता है, इसमें कार्बन 2 से 4% होता है, बहुत ही ब्रिटल मटेरियल होता है, लेकिन इसकी एक लास्टिंग प्रॉपर्टी होती है, स्लाइडिंग एक्शन इस पर ईजिली हो सकता है, स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। बेयरिंग प्रेशर लिमिटेड किया जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिल्वर चांदी यूज़ होगा, ठीक है, और नॉन मेटेलिक बेयरिंग भी यूज़ होते हैं जैसे कार्बन ग्रेफाइट बेयरिंग्स। तो ये मटेरियल है इसके। अब लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं, लुब्रिकेंट देखिए दो टाइप के होते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है कि ये फ्रिक्शन, जो रबिंग सर्फेस फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको कम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को डिसिपेट करता है। तो लिक्विड लुब्रिकेंट जो होता है, तो लिक्विड यूजली यूज इन द बेयरिंग सच एज मिनरल ऑयल्स, सिंथेटिक ऑयल्स, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, जैसे मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, कोई भी ऑयल आप डालते हैं वो लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड क्या होता है, सेमी लिक्विड आपका होता है ग्रीस टाइप मटेरियल, ना तो लिक्विड हो ना सॉलिड हो। इसकी विस्कोसिटी ऑयल से ज़्यादा होगी, ठीक है, स्लो स्पीड में चलेगी तब यूज़ होगा। और सॉलिड लुब्रिकेंट आर यूज्ड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन व्हेन ऑयल फिल्म्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड। जब ऐसा होता है कि जब लिक्विड डालने से ऑयल फिल्म बनता है लेकिन फिल्म बार बार टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हम सॉलिड लुब्रिकेंट जैसे ग्रेफाइट होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स स्टूडेंट, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के ऊपर वीडियो था, और वीडियो में लेके आऊँगा, मेरे वीडियो को देखिए, और जो 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का डालना हो उसको गूगल फॉर्म पर आंसर दीजिए। थैंक यू।